अपने भाई की तरह आज हम एक के साथ, मतलब हम रोज ही होते हैं एक के साथ, बट आज हम जाने लगे हैं राणा भाई मैं एक के जाने लगे हैं H&M CP में, क्योंकि भाई अभी ज़ारा देख कर है पैसिफिक मॉल में कोई भी अच्छा आर्टिकल नहीं आया, बर्थडे आने वाला है हमारा और बर्थडे के लिए कोई आउटफिट तो चाहिए ही चाहिए, तो वहाँ के लिए हम लेने जा रहे हैं बर्थडे ड्रेस अपने लिए। बर्थडे ड्रेस लेट्स गो। वन पीस ले लूँ? नहीं यार, बिकिनी। बिकिनी ले लूँ? लॉन्जरी ले लो, लिंगरी ले लो, लिंगरी। हेलो, हाउ आर यू राणा भाई, कैसे हो आप? बहुत सही, बहुत सही। राणा भाई और मेरा भी गाना आ चुका है, तेरा प्यार तो यहाँ पर आ रहा होगा, एक तो क्या कहते हैं एक आई बटन आ रहा होगा वहाँ पर, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो सुन लेना जाके। अब हम निकलने लगे हैं फटाक से सीपी। भाई गाइस, वापस जा रहे हैं अपना स्टूडियो, क्योंकि कपड़े मैंने ले लिए हैं, अब देखूंगा कि कैसे लग रहे हैं, फिर आपको हम पता लग जाएगा कि मैंने क्या पहने अपने बर्थडे पे, तभी देख लेना। ओके गाइस, टाटा। मैं अभी ऊपर बैठा हुआ था राणा भाई, और ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर लेकर आए, ये तो मेरी वाली है, बट थैंक्स मेरे भाई, मैं इनको मना कर रहा था भाई कुछ मत करना, बट इन्होंने मेरे लिए ये परफ्यूम जो मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद थी और वो मिल ही नहीं रही थी कहीं से भी, इन्होंने पता नहीं कहाँ से जुगाड़ लगाया ये। करवा दिया कॉल। हाँ बस मैं वही कह रहा था भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा लगा जेन्युइन। इन्होंने छुपा रहे थे मेरे से, पर मैं नीचे ही आया हुआ था तो बुरा बात है, इन्होंने सब गैस कर लिया सब था। मैंने ऑलरेडी गैस कर लिया था जब ये जा रहे थे ना, मैंने कहा सच बता दो कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा बेफालतू पैसे मत खर्चना, मेरे को पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा केक लेने जा रहे हो, कहता भाई केक ही रह गया, मैंने कहा फिर पता लग गया तुम परफ्यूम लेने ही जा रहे हो, क्योंकि इसने दो दिन पहले ना नंबर लिया था मेरे से जहाँ से मैं परफ्यूम्स वगैरह लेता हूँ, तो इस चक्कर में दिमाग चलाया था अभी मैं तो। हाँ कोई चक्कर नहीं, अभी मेरे को अजमल भी जाना है भाई, वहाँ से भी परफ्यूम का पता लगाना है, मेरी खराब आ गई थी परफ्यूम, 8,500-9,000 रुपये खर्चे हैं, उसके बाद लॉन्जिटिविटी नहीं आई हुई थी, बट कोई नहीं, उनसे एक्सचेंज करवाइए, वो भी फ़ोन करेंगे फिर देखते हैं जाते हैं कि नहीं। फिलहाल अभी हम अपने दूसरे घर आ चुके हैं राणा भाई, और मैं चिप्स वगैरह लेने जा रहे हैं थोड़ा चकना वगैरह रखने के लिए, जब तक अक्षिता आ जाएगी और सब पता नहीं कितने बजे तक आएंगे, अभी कोई आइडिया नहीं है, 9:30-10 बज जाएंगे उनको भी, अभी 9 बज रहे हैं वैसे फिलहाल के लिए तो, बट अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं सारे, 9:30 तक अक्षिता भी आ ही जाएगी, तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं एक बार सामान चकना वगैरह उठा लेते हैं, देन उसके बाद चलते हैं अपने घर में। और अब मैं रेडी होने वाला हूँ, आज मैं फर्स्ट टाइम ये वाले शूज़ पहनने वाला हूँ, अपने जॉर्डन्स, ये जैस्लिन लेकर आई थी मेरे लिए स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से जब वो आई थी, और ये एक बार भी नहीं पहने थे, मैंने सजा के रखे हुए थे इसको, बट आज बर्थडे है तो आज इसको मैं पहनूंगा। सो गाइस, मैं फाइनली रेडी हो चुका था, बट अभी क्या सीन है कि अक्षिता सारे गिफ्ट वगैरह लेकर आई होगी, तो उसने मुझे ये बोला है कि आप वॉशरूम में जाओ, छुप जाओ, तो अभी वो नीचे उसको एके लेने गया हुआ है ऊपर लाने के लिए, मम्मी पापा आ चुके हैं, और वो मेरे को नहीं पता भाई क्या ही चल रहा, मैं शूज़ के लेसिस बांध रहा था, एक के अभी बंधे थे दूसरे के रह गए थे, और इतने में मेरे को फ़ोन आता है कि भाई फटाक से अंदर चले जाओ जरा वॉशरूम में, जब तक मैं बुलाऊंगी नहीं तब तक आप बाहर नहीं आओगे, मैंने कहा ओके जी ओके। मुझे बुला लिया बाहर और मेरे शूज़ के लेसिस भी बन चुके हैं, अब मैं जा रहा हूँ जरा बाहर की ओर, जरा मिलवाता हूँ आपको सबसे। आई किल्सू, कैसी है? बहुत बढ़िया, क्या हाल है ना तेरे? ठीक है, सब बढ़िया। छुपा लिया भाई सामान? ओके हाँ ठीक है, क्यों ना करूं? क्या मैंने क्या इरिटेट किया? नहीं भाई ऐसा, इनको सरप्राइज देना जीवन का सबसे डिफिकल्ट काम है, इनको कोई सरप्राइज नहीं दे सकता, क्योंकि इतनी फिट दिखाओ यार मेरी फटाक, तुम सबने मेरे को वैसे ही बहुत किल्सा, आप बहुत क्लास रहे हो, बहुत हैंडसम लग रहे हो, बट मम्मा बहुत सुंदर लग रहे हैं साथ में बैठे। मम्मी की बात कही रही थी ना, मेरा वेरी वेरी हैंडसम, वेरी वेरी हैंडसम, तो मम्मा ने तुझे पैदा किया है, कोई दूसरी कोई और नहीं आया, जो पापा का हाथ नहीं था उसमें, ये तो कोई बात नहीं करी आपने। अक्षिता ने एक बहुत ही बड़ी चीज करवाई है मेरे लिए भाई, बहुत ही ज्यादा है, बट बस दिक्कत ये थी कि उसका सरप्राइज नहीं रहा, किसी सब्सक्राइबर ने मेरे को बता दिया कि अक्षिता ने क्या करवाया था, तो वो सरप्राइज नहीं रहा, तो अक्षिता इस टाइम तो बहुत गुस्सा में बैठी हुई है। कोई नहीं, बट मेरे को बहुत खुशी हो रही है, मतलब बहुत ही अच्छा अच्छी चीज़ है, दिखा तो दो एक बार सबको, अक्षिता ने मेरे इनिशियल का टैटू करवाया। मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे इस चीज़ की, पहले नहीं थी, बट मैंने उसको सब्सक्राइबर को मैंने सुनाया, मैंने वॉइस नोट भेजा सबसे पहले कि भाई ये तूने मुझे क्यों बता दिया, बट इट्स नॉट फेयर, मैं टैटू कराते हुए बोल रही थी दैट इट वाज अ सरप्राइज फॉर हिम, हां बट हम कर ही रहा बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू नो, अरे खा दो, कैसे बोल रहे हो,
तो और क्या बोल फिर से थैंक यू बहुत सुंदर लग रहा है दिखाओ निहारता रहूंगा इसे मैं चंद्रू 3 दिन से बेचारी छुपा के बैठी थी बट इसे ये नहीं पता था कि मुझे पता है मैं इसको बताना भी नहीं चाहता कि मुझे पता है इस बात का आई नो बट मेरे को ये भी अच्छा नहीं लगा कि मैं इसको ना बताऊँ इसने खुद ही पूछ लिया कहती मुझे इंट्यूशन सी हो रखी है कि आपको कुछ पता है बहुत जो मैं चाहती हूँ उस चीज़ का और फिर मेरे को इसने कसम दे दी फिर मुझे इसको बताना पड़ गया बट कोई बात नहीं बहुत सुंदर लग रहा है थैंक्स टू आई लव यू टू क्यों भाई हाँ भाई हाँ भाई बदमोश आ गए 3 क्या हाल है मेरे भाई कैसे है तू हाउ आर यू माय ब्रदर कैसे ठीक है तू समीर छोटे आदमी जीनी तो सामने से निकला अभी बंदे को लेके आ रहे हैं फिर वो भी आने वाले होंगे नीचे ये जीनी भाई हाँ जीनी केक ले रहे थे अच्छा भाई मिल गया केक बड़ा वाला केक लिया उन्होंने बढ़िया ओ बल्ले ये भाई चश्मे तो तुम बड़े कोई और नहीं मिला तुम्हें नहीं ज्यादा ही अलग दिख रहे हो तो भाई छोटे आदमी हाउ आर यू कैसे हो तू बढ़िया करा एंजॉय फुल पावर हैप्पी बर्थडे भाई आपको भी हैप्पी बर्थडे भाई आज दोबारा री एंट्री जल्दी आ दोबारा आओ पिंकी क्यों बने हो दोनों भाई हम कर भाई ये तो हम कनेक्शन होता दिल से बोले हमें पता भी केक बनवाने का भी टाइम नहीं था क्या आइसक्रीम केक लेकर आया बनिए अपने घर में मशीन लगवा ले एक गुजू हाउ आर यू जी How are you, G? Hello. Don't die, G. Yes. Hey, thank you, G. मैं भी happy birthday क्यों कह रहा था? Thank you so much. Thank you so much. Woo! अंकित भाई, क्या हो गया? मैं कितना डाला हुआ? थोड़ा सा डाला है? नहीं. सही तो है. सही तो है. Change कर ले. ब्लेड बाज स्नैचर हैप्पी बर्थडे बड़ी लेट बोले हैप्पी बर्थडे टू यू जगमीत सिंह गिल मिल गया पूरा अरे ऐसे मार दे हां कट गया एसी चला दो मे भी घर से बाहर तो निकल नहीं पाता ये पोस्ट कर रहे हैं मुझे सबको पिलाने के लिए मैं याद रखूंगा कुछ कर दे भाई इसको कम कर दो अपने अपने घर जाओ सीता भाई लाइटें बढ़ाओ रुक जाओ छोटी
जी इतना तो देव को पढ़ना नहीं आता इंग्लिश में क्या करेंगे इंग्लिश में क्या बात है भाई वेरी नाइस कारीगर है भाई ये भी ले हॉलीडे होमवर्क जल्दी गोल गरीब की कोशिश कर भाई कार्गो दिए तो अपर होगा इसमें मेरे हिसाब से नहीं भाई अपर नहीं हो लेकिन लेकिन भाई ब्लेजर हो सकता है मेरे ख्याल से 100 रुपए मेरी अपर में 160 वो नहीं होता वो लड़के के तो 25 की साइज बैकग्राउंड है वो वाइट भी नहीं इसमें वाइट भी दे दी अब ब्राउन होगा अब ब्राउन होगा अब कपड़े नहीं है अब जूते हैं ये जूता भी आ रहा है रूम में यू वांटेड दिस ये मैं चाहिए थी मेरे को ये कौन सी चीज है ये तो देखनी खोल भाई खोल ये तो परफ्यूम लग ली है परफ्यूम है भाई ओ ये वाली बेटा है ये वाली है बाबू कट 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 ऑनलाइन नहीं और भी ऑफलाइन लेके आई है अगली वापसी रख ले फेंक के मार इसके मुंह पे गरीब को दो रख जूते 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 ये तो मुझे छोटू नहीं होता दुकान की छत पे 7 नंबर बैग पहले तो बता सकता हूँ छोटू 7 नंबर बैग ये तो कुछ हैवी लग रहा है भाई जल्दी खोल जल्दी वो क्रैप डॉग होते हैं गवार क्रीप चुप कर खोल ले फटाफट अकेले बोल रही हूँ नाइस है ये तो यार ये तो मेरे को पसंद है भाई नाइस है भाई नाइस है बहुत सुंदर है एक और अभी एक और बची है इसको पहनना नहीं है इसको पहनना नहीं है इसे रखना है मैंने फोटो में देखा भाई वो कह रही है पोर्ट तक इयररिंग है भाई मिशन सक्सेसफुल हाँ तू पसीना मत दिखाओ बस सॉरी मैं तू किया देखो किंग मेकर भाई मैं भगवान का लड़का मुझे सब पता है इसमें क्या है इसमें जूते मुझे पता था इसमें जूते क्यों दिए भाई अब बढ़िया लग रहा है भाई ये उससे बढ़िया लग रहा है भाई जो इससे पहले बना था भाई बहुत सुंदर No!
ओफो।